नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी का हो या रेलवे और बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, तो क्या है ये? तो हमने यहाँ पे कुछ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए फायदा करेगा, कभी भी आप भूल जाए तो उसको नोट बन जाएगा, आप नोट को पढ़ सकते हैं। तो अनुपात क्या है और किसके बीच में होता है? तो अनुपात दो सजातीय राशि के बीच में होता है, दो सजातीय राशि जिसको आप कॉग्निट क्वांटिटी भी कहते हैं। अब दो सजातीय राशि का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज कीजिए ए क्वांटिटी एक है और बी क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी है, अगर ए का यूनिट 5 किलोमीटर है, मतलब दूरी का क्वांटिटी को अगर हम ए से डिनोट करते हैं और दूसरे दूरी के क्वांटिटी बी को भी हम किलोमीटर में डिनोट करते हैं, सपोज कीजिए 10 किलोमीटर, तो ए और बी के बीच का जो अनुपात होगा वो ए इज टू बी होगा, या इसको ए अनुपात बी भी कहते हैं। तो क्योंकि ए भी किलोमीटर में है और बी भी किलोमीटर में है, इसीलिए ये दोनों का एक अनुपात हो सकता है। अब जैसे सपोज कीजिए एक आप टेम्परेचर का ले लीजिए, कोई यूनिट है, ए सपोज कीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बी को भी 25 डिग्री सेल्सियस होना होगा, तभी ए और बी के बीच में अनुपात हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर ए 25 डिग्री सेल्सियस है और बी 10 किलोमीटर है तो ए और बी के बीच अनुपात नहीं होगा। यही कहना है कि ए और बी सजातीय क्वांटिटी होगा, एक ही जातीय क्वांटिटी होना चाहिए, कॉग्निट क्वांटिटी होना चाहिए। तो यही पे लिखा है हमने कि दो सजातीय राशि के बीच में होता है। अनुपात को हम कॉलम से डिनोट करते हैं, एक कॉलम ऊपर नीचे बिंदु लगा देते हैं, कॉलम जिसको हम बोलते हैं, कॉलम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक राशि को दूसरे सजातीय राशि से भाग देने पे हमें अनुपात प्राप्त होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब सपोज कीजिए दोस्तों कि ए कोई क्वांटिटी है जिसका 5 किलोमीटर दिया हुआ है और बी कोई क्वांटिटी है जो 10 किलोमीटर जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ए से बी में डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे किलोमीटर कट जाएगा, तो जो भी बचेगा 1/2 इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यही हमने लिखा कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। ये संख्या अथवा भिन्न कुछ भी हो सकते हैं, संख्या का मतलब है कि ये पूर्ण अंक भी हो सकते हैं और ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कि क्योंकि 5/10 है तो इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 क्या है, भिन्न है। और अगर हम ऊपर में 10 रहता कोई क्वांटिटी और नीचे 5 रहता तो काटते तो सिंपल 2 आता, जो कि एक पूर्ण अंक है, इंटीजर है। तो ये संख्या अथवा भिन्न कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के हमने बताया कि ए अनुपात बी, इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं, ए अनुपात बी या ए इज टू बी भी इसको हम पढ़ते हैं, जहां ए और बी को एक क्या है, कॉग्निट क्वांटिटी है, एक ही राशि के क्वांटिटी है, और इसको हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं। अगर ए बाय बी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं और ए अनुपात बी को हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, रेशियो। अब देखते हैं कि समानुपात क्या है। तो समानुपात को हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, और ये प्रोपोर्शन क्या होता है, तो जब दो अनुपात समान होते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं। अब दो अनुपात समान क्या होते हैं, तो सपोज कीजिए कि एक अनुपात है ए इज टू बी, ए और बी के बीच का एक अनुपात हुआ, और दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी, सी और डी के बीच का एक अनुपात हो गया। अगर ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी हो तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जो अनुपात है वो सी डी के अनुपात के बराबर है या समान है। तो इसी को हम कहते हैं कि ए बी जो है समानुपात है सी डी के, या ए बी का अनुपात समानुपात है सी डी के। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि ए बी का अनुपात में हम ए इज टू बी इस तरह से डिनोट करते हैं, और समानुपात को हम 4 डॉट से 2 कॉलम से हम डिनोट करते हैं, 2 1 को आगे पीछे लगा देंगे तो इसको समानुपात से डिनोट करते हैं, और ये सी बाय डी को हम सी अनुपात डी या सी इज टू डी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, समानुपात का रिप्रेजेंटेशन इस 4 डॉट से होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, आप इसको हम देखेंगे तो ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो
तो ए और डी को एक्सटर्नल क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाहरी राशि। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सटर्नल क्वांटिटी। और बी और सी को क्या बोला जाता है? मीडिएटर क्वांटिटी, यानी कि माध्यमिक राशि। अब यहां से अब आप देखेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है कि ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो यहां से एक हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो ये है कि a इंटू डी जो कि बाहरी क्वांटिटी का जो गुणनफल है या मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर होता है b इंटू सी के जो कि मेडिएटर क्वांटिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो अनुपात अगर समान हो तो उसमें जो बाहरी राशि है, एक्सटर्नल क्वांटिटी है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो मीडिएटर क्वांटिटी यानी कि माध्यमिक राशि के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी में एक आता है समानुपाती भाग, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस दोनों का एप्लीकेशन इसी में आएगा कि इस दोनों को हम यूज किस तरह से करेंगे। तो समानुपाती भाग क्या है? प्रोपोर्शनल डिवीजन। अब इस ये क्या चीज है? तो अगर कोई क्वांटिटी आपको दिया हुआ है और इसको आपको कह दे कि आपको दो या तीन भागों में इसको विभाग करना है और इसका अनुपात आपको दिया है कि आपको ए इज टू बी इज टू सी, ये तीन अनुपात में किसी क्वांटिटी आपको जो दिया हुआ है उसको विभक्त करना है, तो उसी जो जो विभक्त करते हैं तो वो प्रोसेस जो है उसको समानुपाती विभाजन कहते हैं, या समानुपाती विभाजन कहते हैं या समानुपाती डिवीजन कहते हैं, और जो भाग प्राप्त होता है उसको हमको समानुपाती भाग कहते हैं। तो यही मैंने हमने यहाँ पे लिखा कि किसी क्वांटिटी को ऐसे भागों में बांटना जिनमें दिया हुआ अनुपात बना रहे समानुपाती विभाजन कहलाता है, तथा विभक्त भाग को समानुपाती भाग कहते हैं या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको देखें, यदि कोई क्वांटिटी वाई है, वाई को ए अनुपात बी अनुपात सी में के तीन भागों में विभाजित करना है, मतलब एक क्वांटिटी वाई है उसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि इसका जो हर डिवीजन आएगा, हर भाग आएगा, उसका अनुपात अगर हम करते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी में आना चाहिए। तो वो जो पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा भाग क्या हो सकता है, इसका डिवीजन कैसे होगा? तो इसके लिए आप जो पहला भाग आएगा दोस्तों वो आएगा ए बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई। अगर जो पहला भाग होगा उसके डिवीजन में तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे और जो क्वांटिटी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला भाग आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा भाग होगा बी बाय ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा भाग होगा सी बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई। अब ये अगर तीनों का आप अनुपात लेंगे तो डेफिनेटली इसका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी ही आएगा। अब सपोज कीजिए कि ये तीन भागों में बांटा हुआ है, अगर दो भाग में आपको कहता बांटने के लिए ए अनुपात बी में, तो क्या हो जाता? ए बाय ए प्लस बी इंटू वाई, और दूसरा क्या हो जाता भाग? बी बाय ए प्लस बी इंटू वाई, ये दो भाग हो जाता है। उसी तरह अगर चार भाग में बांटना हो तो उसी तरह से आप चार भागों में डिवीजन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको आने वाली जो प्रॉब्लम है वो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए और देखिए कि आने वाली इसका प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चार संख्याएं ए बी सी और डी है, इनमें प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल जो रिमेनिंग बचेगा, शेषफल जो है समानुपाती हो जाए, मतलब एक प्रोपोर्शनल में आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका जो अभीष्ट संख्या होगा वो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये कैसे आ जाता है ये हम देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो संख्या कर है कि क्या घटाया जाए, चारों संख्या में से क्या क्या घटाया जाए ताकि जो शेषफल बचेगा वो समानुपाती हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या x को घटा दिया जाए, x को घटाया जाए तो जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? b माइनस एक्स, तीसरा संख्या c माइनस एक्स, और चौथा संख्या क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स। अब ये संख्या घटा दिया तो ये सब क्या हो जाएगा? आपस में समानुपाती हो जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स बाय b माइनस एक्स जो होगा इक्वल्स टू सी माइनस एक्स बाय डी माइनस एक्स के हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहले कि ए माइनस एक्स अनुपात बी माइनस एक्स ये समानुपात हो जाएगा सी माइनस एक्स या सी माइनस एक्स अनुपात डी माइनस एक्स के। अब इसी को हम यहां पे ब्रेक करेंगे तो ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स और समानुपात हो जाएगा इक्वल्स टू सी माइनस एक्स इक्वल टू डी माइनस एक्स। अब यहां से आप अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स इक्वल्स टू बी माइनस एक्स
सी माइनस एक्स। अब यहाँ से आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाले को एक साइड लाएंगे और बिना एक्स वाले जो है उसको अलग साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा ए डी माइनस बी सी बाय ए प्लस डी इंटू माइनस बी प्लस सी के हो जाएगा। यही संख्या जो है हमने यहाँ पे लिखा है, यही संख्या हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करेंगे कि अगर कोई एग्जांपल आप ले लीजिए और एग्जांपल पर देख लीजिए कि कौन कौन से संख्या है और इसमें क्या घटाया जाए, तो उसका शेषफल समानुपाती हो जाएगा, जिससे आपका क्या है कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए ए का वैल्यू 15 मानते हैं, बी का वैल्यू 28 मान ले, सी का वैल्यू 20 मान ले और डी का वैल्यू 38 मान लेते हैं। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में रख दीजिए तो ए इंटू डी, तो ए इंटू डी हो जाएगा 15 इंटू 38 माइनस क्या हो जाएगा बी इंटू सी, तो बी इंटू सी हो जाएगा 28 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ए प्लस डी, तो 15 प्लस 38 माइनस बी प्लस सी 28 प्लस 20। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 570 आएगा, माइनस इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 560 आएगा, डिवाइडेड बाय 15 38 आप ये करेंगे तो 353 आएगा ये, और ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पे 570 माइनस 560 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि आप 15 28 20 और 28 इसमें से आप 2 घटा दे तो 13 26 18 और ये हो जाएगा 36, ये आपस में समानुपाती हो जाएंगे। अगर ए बाई बी करेंगे और सी बाई डी करेंगे तो ये दोनों अनुपात क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पैटर्न के क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में मोस्टली इसी पे आधारित क्वेश्चन आता है तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा। बाकी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं या जो बुक है उससे आप क्वेश्चन बनाइए, अगर किसी तरह का डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ए अनुपात बी है, यदि इस मिश्रण में एक्स लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात ए अनुपात सी हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा याद करो। अब आपको दूध और पानी का एक मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं। मिश्रण ए अनुपात बी का एक मिश्रण दूध और पानी का हमें दिया हुआ है प्रारंभिक में, अब उसमें एक्स लीटर पानी और एड कर दिया जाता है तो अब जो मिश्रण बनता है वो ए अनुपात सी हो जाता है। तो ये हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो अभिष्ट जो मात्रा होगा रिक्वायर्ड मात्रा मिश्रण में दूध की मात्रा जो होगी ए एक्स बाय सी माइनस बी, और मिश्रण में पानी की जो मात्रा हो जाएगा वो बी एक्स बाय सी माइनस बी। अब देखिए कैसे होता है, मान लेते हैं कि शुरू में जो टोटल दूध मिश्रण थी उसकी मात्रा एम थी, टोटल मिश्रण कितना था दोस्तों एम लीटर था। अब m लीटर को अगर हम a अनुपात b में डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनल डिवीजन में आपको बताया था कि दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा जो हो जाएगी वो a बाय ए प्लस बी इंटू एम हो जाएगा, और पानी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा b बाय ए प्लस बी इंटू एम हो जाएगा, अगर प्रारंभ में मिश्रण का जो वॉल्यूम है वो एम लीटर हो तो। अब क्या हुआ कि एक्स लीटर दूध जो है, एक्स लीटर पानी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया जाए तो अब जो पानी हो जाएगा वो एक्स लीटर पानी मिलाने के बाद पानी का मात्रा हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाय ए प्लस बी इंटू एम प्लस एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप ये कर लीजिए कि बी एम प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस
भी अब प्रश्न के अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अब जो अनुपात दूध की और पानी की हो जाएगी वो ए अनुपात सी हो जाएगी। तो दूध की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया है, पानी की मात्रा में चेंज हो गया, तो दूध का अनुपात जो ओरिजिनल में जितना था उतना ही रहेगा। तो दूध का कितना होगा, ए एम बाय ए प्लस बी, ये अनुपात है, ये नए वाले पानी का मात्रा, तो नए वाला पानी का मात्रा हो जाएगा बी एम प्लस ए बाय बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और जो कि क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा ए अनुपात सी। तो ए अनुपात ए इज टू सी लिखेंगे हम। अब यहां से आप अगर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों ए एम ए प्लस बी। अब चूंकि ये ए बी अनुपात में है इसको हम डिवीजन में लिखेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एम प्लस ए बी इंटू एक्स, और ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, जो इसका जो अंश है वो नीचे आ जाएगा और हर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू ए बाय सी, तो ये बच जाएगा हमारा ए एम बाय बी एम प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए सी। अब यहां से अगर हम एम का वैल्यू निकालते हैं तो एम का जो वैल्यू हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, ये वैल्यू हो जाएगा एम का। अब ये एम का वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में यहां पे और यहां पे पुट कर देंगे तो प्रारंभिक में दूध और पानी की मात्रा यही थी, यहां से ये निकल जाएगा। तो दूध की एम की वैल्यू यहां पे अगर आप पुट करेंगे तो हो जाएगा ए बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी और एम का वैल्यू हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, जो कि हमने यही लिखा है ए एक्स बाय सी माइनस बी, ये हमारा निकल गया जो कि दूध की मात्रा है। और इसी तरह से पानी की मात्रा में m की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा b बाय ए प्लस बी, और m का वैल्यू इतना निकला है x बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, तो x ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, फिर ये ए बी ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो जो आएगा वो बी बाय बी एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मिश्रण में दूध की मात्रा जो हो जाएगी ए एक्स बाय सी माइनस बी और मिश्रण में पानी की मात्रा जो हो जाएगी वो बी एक्स बाय सी माइनस बी के बराबर हो जाएगी। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इनिशियल में अनुपात 2:3 था, 2:3 था, अब इसमें x लीटर मान लो कि 4 लीटर पानी मिला दिया गया, पानी कितना हो गया 4 लीटर, तो ए जो मात्रा बन जाती है वो 2:5 की हो जाती है, 2:5 की हो जाती है। तो प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा क्या होगी, तो दूध की मात्रा हो जाएगी ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स कितना मिलाया 4 लीटर, तो 4 लीटर डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, सी का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू हो जाएगा 3, यहां से 8/2 यानी कि 4 लीटर दूध हो जाएगा शुरू में, और पानी कितना हो जाएगा तो बी का वैल्यू कितना 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा और 5-3 सी माइनस बी के बदले 5-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 लीटर पानी की मात्रा हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से याद है दोस्तों या इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, जितनी देर में कुत्ता F1 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश F2 छलांग लगा देता है। मतलब एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है तो कुत्ता अगर F1 छलांग मारता है तो खरगोश F2 छलांग उतनी ही टाइम में लगा देता है। यदि M1 कुत्ते की छलांग की दूरी, जो कुत्ता की M1 छलांग होता है उसकी जो दूरी तय की हुई दूरी होती है वो खरगोश के M2 छलांग की दूरी के बराबर है, खरगोश के M2 छलांग की दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश के चाल की अनुपात क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो ये जो अभिष्ट रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो होगा, वो M2 इंटू F1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू F2। तो उसमें थोड़ा सा हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको यूज करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे कैसे होता है। तो चूंकि कुत्ते का ये बराबर हो जाएगा किसके, M2 छलांग की दूरी खरगोश के। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम एक छलांग का अगर निकाले कि एक छलांग की दूरी कितना हो जाएगा, तो एक छलांग की दूरी जो हो जाएगी वो M2 बाय
एम टू बाई एम वन छलांग दूरी हो जाएगी खरगोश के, एक छलांग अगर कुत्ता मारेगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो एम टू बाई एम वन छलांग जो खरगोश मारेगा उतने दूरी के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, एफ वन छलांग कुत्ता लगाता है, इसीलिए एफ वन छलांग जो कुत्ते का है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो एम टू बाई एम वन इंटू एफ वन, ये हो जाएगा कि जो कुत्ते का एफ वन छलांग है वो खरगोश के कितने छलांग के बराबर हो जाएगी, तो एम टू बाई एम वन बाई एफ टू, ये हो जाएगा कुत्ते का छलांग खरगोश के छलांग के रिस्पेक्ट में। तो खरगोश का छलांग हमें कितना दिया हुआ है, एफ टू, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात हो जाएगा जो हमें निकालने के लिए कह रहा है कि कुत्ते का छलांग कितना हो गया, दिस वन एम टू बाई एम वन इंटू एफ वन, और ये अनुपात हो जाएगा हमें खरगोश के, खरगोश का अनुपात दिया हुआ है एफ टू छलांग, तो ये हो जाएगा एम टू बाई एम वन इंटू एफ वन बाई एफ टू, यही हमने यहां पे लिखा है दोस्तों। रिक्वायर्ड रेशियो एम टू बाई एफ वन बाई एम वन बाई एम टू। अब आप चाहे तो इस पे एक उदाहरण ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि कुत्ते का जो तीन छलांग है खरगोश के छह छलांग के बराबर, जब कुत्ता तीन छलांग लगाता है उतने देर में खरगोश छह छलांग लगा देता है, लेकिन कुत्ते का जो दो छलांग है वो खरगोश के चार छलांग के बराबर हो जाता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो M2, M2 का वैल्यू क्या है, M2 का वैल्यू 4 इंटू एफ वन क्या है, एफ वन का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय M1 का वैल्यू क्या है 2 इंटू एफ टू का वैल्यू क्या है 6, तो 12 बाय 12 यानी कि 1, दोनों 1 बाय 1, मतलब जो छलांग का अनुपात है, जो चलने का स्पीड है कुत्ता का, जो चलने का स्पीड है वो खरगोश के चलने के स्पीड के बराबर है, मतलब जितने दूरी कुत्ता तय कर रहा है उतने समय में खरगोश भी दूरी तय कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर एक में मैंने बताया था कि ए बी सी डी जो है उसमें से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल समानुपाती हो जाए, तो जो रिजल्ट आया था ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी माइनस डी प्लस ए। अगर उसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए ताकि शेषफल जो रिमेनिंग आएगा वो समानुपाती हो जाएगा, तो आप उसी में जो रिजल्ट आया था उसमें माइनस से केवल गुना कर देना है, यानी कि ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी माइनस डी प्लस सी है, तो जो वैल्यू आएगा उससे पहले हम माइनस लगा देंगे, तो उतने वैल्यू अगर हम घटा देंगे तो उतने वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे तो शेषफल समानुपाती हो जाएगा। तो उसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो कि क्या जोड़ा जाए तो शेषफल समानुपाती हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात ए अनुपात बी है तथा खर्च का अनुपात सी अनुपात डी है। दो व्यक्ति है जो कमाता है उसके आय का अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए इज टू बी, और उसके खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है सी इज टू डी। ठीक है दोस्तों, यदि प्रत्येक व्यक्ति एस रुपए बचाता है, दोनों व्यक्ति जो बचाता है वो एस रुपए ही बचाता है, समान रुपए बचाता है, तो प्रत्येक की आय क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक की आय क्या है। तो अभिष्ट आय जो होगा, प्रथम व्यक्ति की आय है वो ए इंटू एस इंटू डी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, और दूसरे व्यक्ति की आय जो होगी वो बी इंटू एस डी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। तो कैसे आया ये, आप इसके कंसेप्ट को समझिए, आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये आय का अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी, तो हम अगर यानी कि इस किसी एक फैक्टर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ए और बी में, तो हर आदमी का वैल्यू निकल जाएगा आय का। तो मानते हैं कि पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति की आय जो है, आय है वह ए इंटू एक्स रुपए, और दूसरे व्यक्ति आय जो है वो कितना है बी इंटू एक्स रुपए। अब देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों का आय का अनुपात आप निकालेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए अनुपात बी ही बचेगा दोनों की आय जो कि दिया हुआ है। अब क्योंकि ए अनुपात बी दिया है तो कोई एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू पूरा आ जाएगा, इसलिए हम उस फैक्टर को मान लिए कि एक्स एक कोई फैक्टर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे ए प्रथम व्यक्ति का भी आय आ जाएगा और दूसरे व्यक्ति का भी आय आ जाएगा। तो अब इसी एक्स को हमको कैलकुलेट कर लेना है, अगर हम इस एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्रथम व्यक्ति की भी आय निकल जाएगा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, तो और दूसरे व्यक्ति की भी आय निकल जाएगी बी इंटू एक्स। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा, तो चूंकि ए इंटू बी दिया है आय का अनुपात,
तो खर्च का अनुपात सी इंटू डी दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए कि चूंकि आय इतना है और एस रुपये बचाता है, तो प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा या व्यय क्या हो जाएगा, तो ए एक्स आय है उसमें से जो बचा लेता है, एस रुपये बचाते हैं तो ए में एस इतने रुपए, अगर हम आय में से जितना रुपया बचाता है वो माइनस कर देंगे तो इतना रुपया खर्च हो जाएगा, तो वही हमने लिखा ए एक्स माइनस एस रुपये जो ये बचा लेते हैं, तो एक्स माइनस एस जो है उसका दूसरे का खर्च, प्रथम का खर्च हो गया। उसी तरह से दूसरे का खर्च क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का खर्च जो हो जाएगा बी एक्स माइनस एस रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न चंद सर क्या है कि प्रथम व्यक्ति का खर्च का अनुपात और दूसरे व्यक्ति के खर्च का अनुपात सी इंटू डी, सी अनुपात डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एस बाय बी एक्स माइनस एस इक्वल्स टू सी बाई डी, सी बाई डी जो क्वेश्चन के अनुसार से है। अब यहां से अगर हम आप एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा एस इंटू डी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ये एक्स का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। अब इस x का वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लीजिए कि प्रथम व्यक्ति का है a इंटू एक्स, तो फर्स्ट व्यक्ति का आय क्या हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति की आय जो है वो हो जाएगा यहां से a इंटू एक्स की वैल्यू एस डी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और दूसरे व्यक्ति की आय जो हो जाएगी ये हो जाएगी b इंटू एस डी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, यही दोनों वैल्यू हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये आय का अनुपात है 3:2 है और खर्च का अनुपात जो होगा वो सपोज कीजिए 4:5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि 100 रुपए बचाते हैं, ये 100 रुपए बचाते हैं तो कितना आय होगा, तो ए का वैल्यू क्या है 3 इंटू एस का वैल्यू क्या है 100, डी माइनस सी तो डी का वैल्यू क्या है 5 - 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए डी इंटू बी सी, तो ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 5 है तो 3 - 5 - बी इंटू सी है, बी इंटू सी तो बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 4 है। अब ये 3 × 100 × 1 डिवाइडेड बाय 15 - 8 माने 300 / 7 रुपीज, ये हो जाएगा फर्स्ट व्यक्ति का है, और उसी तरह से दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे तो बी का वैल्यू है 2 × 100 × 5 - 4 डिवाइडेड बाय 15 - 8 यानी कि 200/7 रुपए पहले का आया है। अब इस दोनों का अगर अनुपात भी निकालते हैं 300/7 / 200/7 तो आपको 3:2 ही निकलेगा दोस्तों। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे रेशियो और प्रोपोर्शन के दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो का आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे वो एक पार्टनरशिप चैप्टर है, उस पर आधारित हम बनाएंगे साझा। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन को तो आपको पार्टनरशिप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो आधारित था वो अनुपात और समानुपात पे था। आप इस वीडियो को पूरी अच्छे तरह से देखिए दोस्तों, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जा सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी रेशियो और प्रोपोर्शन का जो भी कंसेप्ट है उसमें जो कुछ भी उसकी दिक्कत है उसको दूर किया जा सके। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उस सारे को पॉइंट वाइज मैंने वहां पे लिखता हूं, आप उसको वहां पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि यदि 90 मीटर एक लंबा एक लट्ठा सफेद काले और नीले रंग में क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में रंगा गया तो सफेद भाग की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि 90 मीटर का एक लंबा लट्ठा है उसको सफेद काले और नीले रंगों में 5, 6, और 7 के अनुपात में रंगा गया तो सफेद भाग की लंबाई क्या है, 30 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर, या ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको बनाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।